अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम जिस मुल्क में जहां भी रह रहे हैं, मेरी तरफ से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद, ईदुल अज़हा मुबारक। हम यहां पे शिकागो में आज मंडे ईदुल अज़हा मना रहे हैं। वैसे महल्ले की मस्जिद में हमारे 6 बजे ईद की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी, तो आज हम यहाँ शिकागो में भी ईद मना। वैसे बाद लोग यानी कि शिकागो में सराउंडिंग में हाँ कल भी ईद मना लिए थे, इसलिए कल संडे था, दो काम एक साथ हो गए, फादर्स डे भी था, ईद का भी बहाना मिल गया और छुट्टी थी। हाँ, तो वैसे यहाँ पे छुट्टी बहुत नहीं मिलती, छुट्टी उट्टी का चक्कर है, लोग यानी कि जाबों को जाने के चक्कर में देखते हैं कि कौन सी मस्जिद में जल्दी नमाज हो रही और कहाँ जल्दी नमाज हो रही, तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़, इसलिए कि ये मुल्क में ईद की आम छुट्टी नहीं है। तो मिडल ईस्ट में रहने वालों को महीने महीने की भी छुट्टी लेके वेकेशन जाते हैं, मगर वहाँ पे भी जैसे 5-6 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाती है। हाँ, तो मेरी दुआएं आप तमाम के साथ, जिस मुल्क में जहाँ भी रह के आप ईद मना रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम को सेहतमंद खुशहाल रखे और सारे आलम में ये जो ईद है हमारी, इसको सारे आलम में अमन का गहवारा बना दे, और जो लोग परेशान हैं दुनिया में, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम मेरी तरफ से आप तमाम को ईदुल अज़हा 2024 मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।